ओके, वेलकम टू राम एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ, देखो एंगल PQR, ये वाला एंगल जो आपका ये वाला एंगल है इज इक्वल्स टू PRQ दिया हुआ है, इस वाले एंगल के इक्वल, ये आपको गिवन है। एंड वी नीड टू प्रूव डैट कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल। तो आपको पता है कि ये जो होता है, जो लाइन पे जो एंगल होता है, लीनियर पेयर जिसे बोलते हैं हम, लाइन पे एंगल का सम कितना होता है, बेसिकली 180 होता है। तो आई थिंक दिस पोर्शन इज PQS, दिस इज S एंड दिस इज T। सो इन दोनों का सम PQR प्लस PQS इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होगा, हमेशा 180 होगा। सिमिलरली जो है इन दोनों का सम भी 180 होगा। तो यहाँ से जो एंगल आपको दिया हुआ था ना PQR, वो कैलकुलेट करो आप, PQR कितना आ जाएगा, PQR आपका आएगा 180 डिग्री, और जब PQS जो पॉजिटिव है, जब वो राइट हैंड साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब आपने क्या करना है, सिमिलरली यहाँ पे अप्लाई करना है, तो इसका नाम है PRQ प्लस इस वाले का क्या नाम हो जाएगा, PRT, और ये भी किसके इक्वल होगा, लीनियर पेयर के हिसाब से 180 के एंगल इक्वल, और PRQ निकाल लो अब यहाँ से। ठीक है, जब आप PRQ कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो क्या होगा, जो PRT है वो आपका कहाँ चल जाएगा, राइट हैंड साइड में, दैट इज 180 डिग्री माइनस PRT, और ये इस पे फिर से आप बना दो बॉक्स, और ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, PQR इक्वल्स टू PRQ, यहाँ पे लिख दो PQR इक्वल्स टू PRQ। अब जो PQR की वैल्यू जो आपने निकाली है, एज इट इज उठा के यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, दैट इज 180 डिग्री माइनस PQS। ठीक है, अब जो PRQ की वैल्यू, जो ये वाली वैल्यू, एज इट इज उठा के यहाँ रख दो, 180 डिग्री माइनस PRT। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि देखो 180 के साथ पॉजिटिव का साइन है, यहाँ भी 180 के साथ पॉजिटिव का साइन है, सो मैं इस 180 को 180 से कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता तो कैंसिल नहीं होता, तो क्या रह गया हमारे पास, माइनस PQS इक्वल्स टू माइनस PRT, और फाइनली नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो PQS है वो PRT के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से हम इसे कह सकते हैं हैंस प्रूफ। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर जरूर करें, थैंक यू सो मच।